ये देखिए वाह, स्मार्ट मैन नीली शर्ट में हरभजन सिंह ने शाम को कह दिया था कि जीत के जश्न के साथ मिलेंगे, और आपके पीछे तो तिरंगे भी हैं भज्जू पाजी, कमाल कर दिया आज आपने। बिल्कुल, मैंने कमाल नहीं किया, कमाल किया रोहित शर्मा ने और ऑफकोर्स पूरी भारतीय टीम ने। और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर क्राउड 50,000 था तो 40,000 इंडियन थे, तिरंगे ही तिरंगे थे। इतना ज़बरदस्त दृश्य था कि आपको मज़ा आ जाता देख करके। बट यस, ग्रेट विन, ये एक छोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। अभी सीरीज़ जो है वनडे सीरीज़ आनी है, वनडे सीरीज़ के बाद टेस्ट सीरीज़ आनी है, और ये शुरुआत होनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर हमने अच्छी टूरिंग टीम बनना है तो शुरुआत बहुत अच्छी चाहिए थी। और इस तरह की शुरुआत कि जहाँ पे हमने डोमिनेट किया हुआ, चाहे हम बॉलिंग की बात करें या बैटिंग की बात करें, तो एब्सोल्युटली प्लेजर टू वॉच हाउ वी वेंट ऑन टू डू आवर थिंग्स टुडे। सो इट वाज ब्रिलियंट विन। भज्जू पाजी ये बताइए, इंग्लैंड कहाँ हारा? वो 10 से 20 ओवर अपनी बैटिंग में हारा जहाँ वो सिर्फ 198 तक रुक गया, या फिर वो भारत के 18.4 ओवर की बैटिंग में हारा? देखो, मेरे लिहाज से इंग्लैंड जब वो बैटिंग कर रहे थे तो वो 11 ओवर से लेकर के जब उन्होंने 17 ओवर तक जो बैटिंग की है उसमें 4 या 5 उन्होंने विकेट खो दिए, क्योंकि जो भी बैट्समैन आ रहा था उसको लग रहा था कि पहले बॉल से मैं चौका या छक्का मारूं। जहाँ की इंडिया की अगर आप बैटिंग की बात करें तो उन्होंने इनिंग को बिल्ड किया है और नॉन रिस्क फ्री शॉट्स खेले हैं, जो कि इंग्लैंड फुल ऑफ रिस्क काइंड ऑफ शॉट्स खेल रहे थे कि हर बॉल लगा तो लगा, नहीं तो ठीक है, ऐसा वाले में करके वो 198 पे रह गए। नहीं तो मुझे लग रहा था आज 220 रन बनेंगे, और 220 रन बनाने के लिए लगातार आपको अच्छा मारना पड़ता है। हालांकि हमारे पास बॉल है 220 रन बनाने के लिए भी छोड़ दिए बैट्समैन ने, बट 220 रन का प्रेशर अलग होता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, तकरीबन हर बल्लेबाज ने रन बनाए, और रोहित शर्मा खासतौर, मुझे याद है भज्जू मैंने आपसे पूछा था जब शाम को 6 बजे कि रोहित पर दबाव दिख रहा है, वो क्यों अपनी यूजुअल सेल्फ नहीं दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने वो पहली 2 बॉल के बाद उनकी ऐसी नींद खुली कि उन्होंने कहा बेटे अब छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं, जो विक्की पाजी, मुझे लगा है कि इस पूरे जो दौरे में रोहित पहले मैच में भी बहुत ज़ोर से बॉल को मारने को देख रहा था, सेकंड मैच में भी बहुत ज़ोर से बॉल को मारने देख रहा था। आज उसने सिर्फ और सिर्फ टाइम लिया है और टाइम किया है बॉल को, और ये उसकी गेम है। और उसने जो कवर ड्राइव मारे हैं या पुल शॉट मारे हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइम किया है। अगर टाइम करते रहेगा रोहित तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बॉलर जो है उसके आगे बॉल डाल सकता है। और जिस दिन रोहित खेलता है, मैंने आपको पहले ही बोला था, उस दिन उसके बराबर का बैट्समैन कोई भी नहीं लगता है। चाहे विराट कोहली उसके साथ बैटिंग कर रहे थे, बट रोहित शर्मा की इनिंग और विराट कोहली की वो पार्टनरशिप तो इंडिया के लिए बहुत तगड़ी थी, बट उस टाइम रोहित शर्मा ऐसा लग रहा था कि हर बॉल पर जो है वो ईजी चौका या छक्का मार सकता है। और हार्दिक पांड्या का रोल मैं पूरे 3 मैचों में देख रहे थे हम, यहाँ पे मदन जी भी हैं स्टूडियो में। हार्दिक पांड्या भी अंडरस्टेटेड, क्योंकि एक गेंदबाज के तौर पर 5वें गेंदबाज कमजोर दिख रहे थे, पता नहीं ओवर डालेंगे नहीं डालेंगे। उन्होंने पूरी पूरी कंट्रीब्यूशन दी है, बल्ले के साथ भी और बॉल के साथ भी। देखिए, आज उसका रोल जो था वो बहुत ही अहम था, क्योंकि आज जब वो बॉलिंग करने आए पहले ओवर में, ऑफकोर्स वो काफ़ी ज़्यादा रन्स के लिए गए थे, बट उसके बाद जब वापस आए हैं अगले 3 ओवर में आके उन्होंने 4 विकेट निकाले हैं, जो कि विकेट अगर नहीं लोगे आप T20 फॉर्मेट में तो आप फिर पिटाई होती ही चले जाएगी। और अगर हार्दिक पांड्या के भी ओवर्स में विकेट नहीं मिलती, वो इंटेंट नहीं होता उसका विकेट लेने वाला, तो शायद आज हम 230-35 भी चेस करते होते, जो कि मुश्किल होने वाला था। तो जितनी तारीफ करें हार्दिक पांड्या की कम है, नॉट जस्ट विद द बॉल, विद द बैट ही इज़ बीन अ सेंसेशनल प्लेयर फॉर टीम इंडिया। एंड आई एम श्योर कि जिस तरीके का कॉन्फिडेंस उसको यहाँ से मिला होगा, वो टीम को भी हेल्प करेगा आगे वनडे सीरीज में आने के लिए। और ऐसा प्लेयर मिलना बहुत मुश्किल है, और अब मिला है तो इसको संभाल के रखना चाहिए। तो थोड़ी सी दिखाइए ना, भंगड़ा हो रहा है क्या आपके पीछे? इंडिया, 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 वेल डन, इंडिया, 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 ऐसे आवाज गूंज रही थी आज पूरे मैदान में, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और ये बहुत एक्साइटेड है, और जो ये वनडे सीरीज होने वाली है ये मैं बता रहा हूँ, उसमें भी हम डोमिनेट करेंगे, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस दी है इंग्लैंड को यहाँ से उठना मुश्किल हो जाएगा। मेरा तो दिल कर रहा था कि अभी मैं फ्लाइट पकड़ू और आ जाऊँ, मतलब वो जो एक्शन और जो पीछे भारत का जश्न है, ये बड़ी बात है, क्योंकि आपकी टीम खेली बड़ी शानदार है। नहीं, बहुत बड़ी बात है, और देखिए यही होता है जीत, क्योंकि जो इंडियन है वहाँ के उनको तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि उनके लिए एक प्राउड मोमेंट रहता है।
क्योंकि कहते हैं ना कि इंग्लैंड के जो इंग्लिश पीपल है उनके साथ थोड़ा सा नुकर जुगत होती रहती है। सही बात वो है, भी एक बड़ी बहुत बड़ी बात है। चलिए बच्चों, आपने कहा था, मदन जी ने भी कहा था T20 भारत के नाम, अब सवाल ये है कि तीन मैचों की देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अगर इंग्लैंड जीत जाता ना तो ये अगले जब तक वनडे सीरीज नहीं शुरू होती वो 5-6 दिन इतना ज़्यादा हमारे यहाँ के भारतीयों को सुनाते कि हम बेस्ट हैं, हम ये हैं वो हैं, बट अब 5-6 दिन तो बिल्कुल चुप रहेंगे और वनडे के बाद तो फिर बिल्कुल बोलती बंद करेंगे। जब टेस्ट की बारी आएगी तब की तब देखी जाएगी, और टेस्ट में भी हम अच्छा खेलेंगे इस बार। हम ऐसे नहीं हैं कि अगर आप किसी भी तरह की विकटें दोगे तो हम आउट हो जाएंगे, अगर हम आउट होंगे तो हम आपको आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस बार बॉलर भी अच्छे हैं और इसीलिए शायद भारत आज 2-1 से इस सीरीज को जीत गया। बहुत बहुत शुक्रिया हरभजन सिंह ब्रिस्टल मैदान से, मदन जी स्टूडियो से, और जो तमाम आज तक के फैंस हैं जो जीत के जश्न में आप शरीक हुए हैं, आप लोगों का भी।